हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीएल के द्वारा अभी हाल ही में अपडेट किया गया है और कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, जिनमें आपको पहला नोटिफिकेशन बता दें कि एनसीएल ने जो 29 नवंबर 2020 को परीक्षा कराई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जनवरी के लास्ट 2020 का जो लास्ट मंथ है उसके लास्ट वीक में और जनवरी की फर्स्ट वीक में एक से तीन चार तारीख तक आपको बताया गया था कि रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही सेम 2 तारीख को आज रिजल्ट आपका आ चुका है। HEMM, हेम ऑपरेटर और ड्रैग लाइन ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, इन सब का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे आपको देखना है अपना रिजल्ट। तो यहाँ पर NCL रिक्रूटमेंट 2020, जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, और आपको भर्ती NCL पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ पर ये NCL की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये रिक्रूटमेंट के नीचे कुछ नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं इस पे। तो सब पहले वाले ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए ड्रैग लाइन ऑपरेटर पद है, और ये है ड्रैग लाइन ऑपरेटर पद के अलावा अन्य पदों के हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए जो PDF है वो ये देखिए, हेम ऑपरेटर का ये रिजल्ट आपका खुल चुका है, जो लोग सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 566, नोट नंबर 4 पढ़ेंगे, 1 से 566 तक के अभ्यर्थी दिनांक 15/1/2021 से 21/1/2021 के दिवस के अंतराल में तत्पश्चात क्रमांक इतने से इतने, ठीक है, ये डेट पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो 1 से 566 तक जिन लोगों का क्रमांक है वो लोग 15 से 21 तक, और 567 से 1016 तक जिनका है वो 22 से 25 तारीख के बीच में मूल दस्तावेजों के जांच हेतु सिंगरौली में प्रस्तुत होंगे। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट दिया हुआ है अंडर रिजर्व SC और ST और OBC और जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो SC में 79 से 60 और अंडर रिजर्व वालों के लिए 94 से 71, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही हैवी जा रहा है कटाप वगैरह, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों के लिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर। जो लोग भी सेलेक्ट किए गए हैं वो लोग ये देखिए, ये यहाँ से देख सकते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब आपको फ्रेंड्स बता दें कि इसमें जो नंबर है वो बहुत ही हैवी जा रहे हैं, नंबर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो SC ST के कैंडिडेट और OBC के, उन लोगों ने जनरल में भी फाइट किए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ST के कैंडिडेट सारे के सारे दिखाई पड़ेंगे। तो ST का जो लास्ट कैंडिडेट है 1016, यहाँ पर आपका 48 मार्क्स आए हैं इनके। और जो SC का लास्ट कैंडिडेट है उसको भी देखते हैं हम लोग। ST का जो लास्ट कैंडिडेट है वो कौन सा है, ये देखिए, SC का गया है 60 नंबर कट ऑफ, 60 नंबर SC का गया है। बाकी कट ऑफ काफ़ी गया है, जिस तरह से बता रहे थे आप लोगों को मैंने बताया था उस तरीके से थोड़ा 3 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ गया है, है ना। तो आप देख सकते हैं, ओके। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा अपना, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से इसमें लिस्ट में आप लोग बताइए कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, फिर उसमें